पिछले दो दिनों से हुई बरसात के बाद जहां आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं राहगीरों और वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैथल कुरुक्षेत्र रोड पर टीक गांव के पास रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पिछले कई महीनों से चला हुआ है, जिसके बाद निर्माणाधीन कंपनी के ठेकेदार द्वारा और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहनों के आवागमन के लिए काठवाड़ से साधनों को निकालने के लिए बोर्ड तो लगा दिए, लेकिन उचित व्यवस्था नहीं कर पाए। अब बरसात के दिनों में कठवाड़ के पास स्थित रेलवे अंडरब्रिज में कई कई फुट पानी भर जाने के कारण कई हादसे हो चुके हैं, परंतु विभाग के अधिकारियों ने अंडरब्रिज से पानी निकालने की और आवागमन को दुरुस्त करने की कोई जहमत नहीं उठाई। आज सुबह भी कवरेज के समय दो मोटरसाइकिल और एक कार पानी में रुक गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने बताया कि परसों भी यहां पर दो मोटरसाइकिल सवार डूबने से बच गए थे, क्योंकि रात के समय वे रूटीन की तरह अपनी बाइक निकाल रहे थे, परंतु पानी अधिक होने के कारण उनकी बाइक बीच में फंस गई और वे डूबते डूबते बचे। राहगीरों ने बताया कि पानी कई कई जगह कई कई फुट तक जमा हो जाता है, परंतु अधिकारी देखने तक नहीं आते। राहगीर दिन भर दाएं से बाएं अपने वाहन निकालने के प्रयास में लगे रहते हैं। बाइक वाले तो इधर उधर से अपना वाहन निकाल लेते हैं, परंतु कार वे बड़े साधनों को कई कई किलोमीटर तक घूमकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। वाहन चालकों ने बताया कि जब रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण टीक के पास हो रहा है तो वाहन चालकों के कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर के चक्कर बेकार में लगवाना प्रशासन की बेवकूफी है, क्योंकि ओवरब्रिज के निर्माण से कुछ ही दूर पर डायवर्जन किया जा सकता है और वहां से साधन निकालने की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा करवाई जा सकती है। वहीं इस बारे में लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता KS पठानिया ने बताया कि उन्होंने खुद भी मौके का दौरा किया था और SDM को जल्द ही पानी निकलवाकर रास्ते को साफ किया जाएगा, वाहन चालकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं इस बारे में सड़क पर भी इसलिए भी जल्दी संज्ञान नहीं लिया जाता क्योंकि पहले ये सड़क हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के अधीन आती थी, परंतु 2011-12 में ये सड़क लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई थी। मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता धर्मपाल नैन के अनुसार इस सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाया गया था। वर्ष 2019 के नवंबर महीने में लोक निर्माण विभाग ने इसकी मरम्मत करवाई थी और इसकी देखरेख का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का ही होता है। कई सड़कों को मार्केटिंग बोर्ड विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाने के कारण ये समस्या बनी हुई है। जल्द ही दोनों विभागों की सहमति से इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। खबरन हरियाणा के लिए कैथल से कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट।